नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वीकली आउटलुक, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में क्या मार्केट का ट्रेंड रह सकता है और किस तरीके की इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नज़र में रखने चाहिए। जहाँ तक इक्विटी मार्केट का सवाल है, हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी में जहाँ उन्होंने उच्चतम स्तर बनाए थे, लाइफ टाइम हाई लेवल्स बनाए थे, वहाँ से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीबन 2.14% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखा गया, निफ्टी के अंदर करीबन 1.80% की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। दोनों ही सेगमेंट में हमने नरमी आते हुए देखी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से, हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में एक सेल ऑफ आते हुए देखा गया। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते भी हम कुछ नरमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में जहां हमने पिछला हफ्ता नेगेटिव आते हुए देखा था, उसके बाद हमने लोअर लेवल से रिकवरी भी देखी थी। गोल्ड में हमने करीबन अगर देखे तो करीबन 0.93% की तेज़ी के साथ गोल्ड के लेवल्स बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन $1721 को टेस्ट करके $1760 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम अगले वाले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा गोल्ड का वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने US के डेटा देखे थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे जो कि बढ़ते हुए देखे गए, वहीं अगर हम US की फाइनल GDP की बात करें वहाँ पर हमने माइनर सी बढ़त आते हुए देखी। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे, जो कि इकोनॉमिकली नेगेटिव हो सकता है। वहाँ हमने डॉलर में, जहाँ डॉलर ने ईयर का हाई बनाया था, वहाँ से हायर लेवल से गिरावट देखी, जिसकी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी आते हुए देखी है। वहीं अगर हम गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में जो सपोर्ट है करीबन 46,200 का रहेगा और रेजिस्टेंस जो है करीबन 46,900 का देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है गोल्ड के भाव अगले हफ्ते पॉजिटिव वे में ट्रेड कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $1780 के लेवल को छू सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, हमें लगता है कि गोल्ड में लोअर लेवल से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जहाँ तक सिल्वर की बात है, सिल्वर के अंदर भी हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा, ऑलमोस्ट 0.99% के गेंस के साथ सिल्वर के भाव ट्रेड होते हुए देखे गए और सिल्वर के भाव करीबन 60,590 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने सिल्वर में रिकवरी आते हुए देखी थी और ऑलमोस्ट $22 के आसपास हमने सिल्वर में तेजी आते हुए देखी है। सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 59,500 का एक सपोर्ट रहेगा और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 60,500 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है सिल्वर के भाव ऊपर में करीबन ऊपर में 23 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, हमें लगता है कि सिल्वर के भावों में $23 तक के और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 62,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर हमने एक मिलाजा रुख देखा, हालांकि हमने बेस मेटल में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होते हुए देखा। कॉपर के भाव, जिंक के भाव, लेड, एल्युमिनियम के भाव सभी में हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने ये खबर मार्केट में आई कि चाइनीज़ अपना रिजर्व से बेस मेटल बेचने को तैयार है, तो उसकी वजह से हमने कंटिन्यू सेलिंग आते हुए देखा। कॉपर के भाव करीबन 1.37% के गिरावट के साथ बंद होते हुए देखे गए। जिंक के भाव में करीबन 3.2% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा गया। हालांकि कॉपर के भाव में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। अगर हम कॉपर के सपोर्ट की बात करें तो करीबन 690 का कॉपर में सपोर्ट रहेगा और 722 का यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। एक्सपेक्टेड है कॉपर के भावों में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। टेक्निकल चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है और कॉपर के भाव करीबन 722-720 के स्तर पर वापस आ सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम जिंक की बात करें तो वहाँ पर करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। हमें लगता है जिंक में जो ट्रेंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन रह सकता है और एक्सपेक्टेड है जिंक के भाव करीबन नीचे में 249 तक के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट 249 का और रेजिस्टेंस 258 का है। हमें लगता है कि जिंक में एक गिरावट के साथ ट्रेंड हो सकता है। वहीं अगर हम लेड और एल्युमिनियम की बात करें तो वहाँ पर हमने मिला जरूर देखा, हालांकि वहाँ पर भी लो हमने हायर लेवल पर एक गिरावट आते हुए देखी है, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मिलाजुला रुख देखने को मिल सकता है। जिंक के लेवल्स की बात करें तो 180 एक सपोर्ट रहेगा और 186 रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। एल्युमिनियम में 223 एक सपोर्ट लेवल रहेगा और करीबन 235 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। हमें लगता है कि लेड और एल्युमिनियम में मिलाजुला रुख देखने को मिल सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी की जा सकती है। जहाँ तक निकिल का सवाल है, हमने देखा है निकिल की जो इन्वेंट्री है वो डेफिसिट में चल रही है और EVs की डिमांड की वजह से निकिल के भावों में अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो निकिल के अंदर हमारा ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक पॉजिटिविटी में आता हुआ दिख रहा है। निकिल के भाव अगर देखें तो यहाँ पर सपोर्ट करीबन 1330 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1430 का हो सकता है। यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो अगले हफ्ते हम यहाँ पर 1420-1430 तक के टारगेट दोबारा से देख सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह बनाई जा सकती है। क्रूड की अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्रूड की वजह से हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और अगर देखें तो करंटली क्रूड की जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी लोअर हैं और कहीं ना कहीं जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर हट होती हुई दिखाई दी हैं।
हमें लगता है कि यहाँ पर क्रूड की जो सप्लाई वो भी कम रहेंगी, मगर जो डिमांड है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर हमने देखा है ओपेक मेंबर्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रूड की डिमांड है वो प्री कोविड लेवल पर जा सकती है, और जिस तरीके से इकोनॉमीज ओपन हो रही हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के भावों में हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ये हफ्ता भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट क्रूड के भाव करीबन 2-3% की हाइस पर बंद होते हुए देखे गए। क्रूड के लिए हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 5550 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 5800 के आसपास रहेगा। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और 5800 तक के टारगेट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नेचुरल गैस जो कि करीबन 9% के गेंस के साथ बंद होता हुआ देखा गया, यहाँ पर अगेन ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यूरोप के अंदर सप्लाईज कम हैं और डिमांड ज़्यादा है, वहीं यहाँ देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी इसके रेट बढ़ाए गए हैं, तो नेचुरल गैस के भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 380 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 460 का देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और नेचुरल गैस के भाव अगले हफ्ते 440 से लेकर 450 तक की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। जहाँ तक सवाल है करेंसी का, क्योंकि करेंसी हमने देखा है करीबन 0.72% के की गिरावट के साथ बंद होती हुई देखी गई और ऑलमोस्ट 74.29 के लेवल्स पर बंद होती हुई देखी गई। जिस तरह डॉलर के भावों में तेजी देखी, हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि रुपया यहाँ पर और डेप्रिशिएट हो सकता है। यहाँ पर जो टेक्निकल लेवल्स हैं करीबन 73.80 सपोर्ट जोन है और 75.20 एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमें लगता है कि यहाँ पर रुपया कुछ और डेप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर रुपी पर दबाव आ सकता है और रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएशन के साथ ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि रुपी में यूएसडी आईएनआर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और 75 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी की, जहाँ पर हम तीन टॉप ट्रेड लेकर आए हैं, तीन टॉप पिक्स लेकर आए हैं, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जहाँ तक अगर हम सोयाबीन की बात करें, तो जो कि करीबन 7.5% के आसपास गिरावट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल बढ़ते हुए देखे हैं, यहाँ पर सोयाबीन की भावों में नरमी देखने को मिली है। अगर हम सोयाबीन के भाव की बात करें तो करीबन 5477 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए हैं। यहाँ पर ट्रेंड डाउन रहेगा। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5200 का सपोर्ट रहेगा और करीबन 5700 का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह है। हमें लगता है सोयाबीन के भाव अगले हफ्ते 5200 के स्तर को छू सकते हैं। जहाँ तक अगली जो कमोडिटी है वो हमारी ग्वार सीड रहेगी। ग्वार के अंदर हमने 1.18% की गिरावट के साथ ट्रेड देखा है। हालांकि लोअर लेवल पे यहाँ डिमांड देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ग्वार के भावों में अगेन ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 5650 एक सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 6000 का रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और 6000 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, जो कि ये काफ़ी अहम कमोडिटी है, क्योंकि हमने देखा है कि इस हफ्ते कॉटन के भावों में लाइफ टाइम हाई टेस्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो इसलिए हम कॉटन सीड ऑयल के को चुनकर लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर पिंक वॉर्म की वजह से क्रॉप को नुकसान हो सकता है और खल की जो आगे डिमांड है सर्दियों में वो बढ़ सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि खल के भाव आने वाले हफ्ते में 2700 रुपये को छू सकते हैं। यहाँ पर अहम सपोर्ट करीबन 2450 का रहेगा और 2700 का रेजिस्टेंस रहेगा। हमें लगता है कि खल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और करीबन भाव 2700 रुपये को जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा वीकली आउटलुक। आशा करते हैं आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।